खूबसूरती है। सभी की निगाहें शुभम चौहान पर टिकी हुई, अपनी टीम को संकट से बाहर निकालते हुए शुभम चौहान जबरदस्त बैटिंग करते हुए। बड़े शॉट का प्रयास लेकिन बॉल आया नहीं बैट पे ठीक से, थोड़ा लो रह गया, किनारा लग के पैड पे बॉल लगी। अच्छी बॉल यहां पर बॉलर की। शुभम चौहान जल्दी मैच खत्म करना चाह रहे हैं। अभी कुछ बूंदा बांदी हुई है जिससे बॉल स्किड हो रहा है। और यहाँ किनारा स्क्वायर लेग पे बॉल आती हुई, चेज है फील्डर के लिए, अच्छी फील्डिंग और एक सामान्य थ्रो। अच्छी बैटिंग है शुभम चौहान द्वारा। शुभम चौहान के पैड्स ढीले हो गए हैं, पैड्स के लिए उन्होंने इशारा किया है ड्रेसिंग रूम की तरफ। और ये यहां पर स्कूप खेला सीधे हाथ में और विकेट गवा बैठे, गैर जिम्मेदारना गैर जिम्मेदारी भरा शॉट शुभम चौहान का। बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, सामने अच्छा खेल रहे थे, इस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी। हाथ में कैच थमा बैठे, फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं की गई और अनामत अली जो कि वरिष्ठ खिलाड़ी हैं इंदौर के, उन्होंने आसानी से कैच लपका। शुभम चौहान ने अच्छी बैटिंग की, अच्छे ताबड़तोड़ रन बनाए उन्होंने। ₹2007 वर्ल्ड कप में मिसबाह उल हक ने जो शॉट खेला था उस शॉट की याद दिलाई शुभम चौहान ने। नए बल्लेबाज आए हैं 3 नंबर की जर्सी में, लोअर मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं अतुल, लेकिन आज परिस्थितियां भिन्न हैं। मैच को पास ले जाना होगा और नॉन स्ट्राइक एंड पे जमे हुए केके के साथ अधिक से अधिक स्ट्राइक लेकर खेलना होगा। अच्छा बॉल, अच्छा डिफेंस किया, अच्छे बॉल को सम्मान दिया यहां पर अतुल ने। अतुल की तकनीक काफी अच्छी है, अच्छी टेक्निक से खेलते हैं, उसी की अभी जरूरत है। अनावश्यक शॉट खेलने की जरूरत नहीं जिस प्रकार शुभम ने खेला था। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, कड़क शॉट, लेकिन बॉल सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में। अच्छा थ्रो वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति।
15 ओवर की समाप्ति पर 112 पे 5 विकेट हो चुकी है एसएफ। नीतीश का अगला बॉल, यहां पर अपील कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन बॉलर द्वारा उत्साह नहीं बिल्कुल भी, असमंजस की स्थिति यहां पर। नीतीश ने बॉल किया लेकिन अपील नहीं की, शेष टीम ने अति उत्साह में अपील की। उनतीस बॉल पे 44 रन की आवश्यकता है एसएफ को। नीतीश का अगला बॉल और कलात्मक तरीके से खेला है, अच्छा थ्रो इस बार यहां पर फील्डर का, के आए हैं स्ट्राइक पर। एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहां देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों द्वारा। अब शेष 28 बॉलों पर 43 रनों की आवश्यकता है एसएफ की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। अगला बॉल नीतीश का ऊपर फेंका हुआ, यॉर्कर मारने का प्रयास, सीधा खेला लॉन्ग वन में केके ने, अच्छा थ्रो यहां पर फील्डर का, पूरा प्रयास है नीतीश का यहां बाउंड्रीज रोकी जाएं। और केके अतुल का प्रयास है सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते रहें। बड़े शॉट का प्रयास, लेग स्टंप पे बॉल जाती 6 रन के लिए, ऊपर फेंका हुआ बॉल नीतीश का, काउस कॉर्नर में मारना चाह रहे थे लेकिन मिस टाइम होकर स्क्वायर लेग की तरफ, मिड विकेट की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण 6 रन जोड़े यहां पर। अब 26 बॉलों पे 36 रनों की आवश्यकता और फिर से बड़े शॉट का प्रयास मिस हुआ। इसी बीच में हमारे बीच आ चुके हैं दिशांत खरे, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं डीजीपी 11 के और जीबी के भी। आज सुबह इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 बॉलों पे 67 रन बनाए हैं, मैन ऑफ द मैच रहे हैं। माफी चाहूंगा, 25 गेंदों पे 67 रन बनाए। ये पटका हुआ बॉल नीतीश का, वाइड का इशारा एम्पायर का यहां, एक्स्ट्रास कंट्रोल करने होंगे इंदौर को, थोड़ा ही मैच बचा है। और वहीं बहुत ही कामनेस और कूलनेस से बैटिंग करते हुए अतुल, फिर ऊपर फेंका हुआ बॉल और यहां पर खराब, चार रन का और इजाफा यहां पर। नियंत्रण खोती हुई इंदौर डीएफ की टीम मैच में। नीतीश जो कि अच्छे बॉलर हैं लेकिन इस ओवर में ज्यादा रन उन्होंने कंसीव कर दिए हैं। श्रवण बेगड़े जो कि पैड करके पवेलियन में खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए, विकेटकीपर और धुआंधार बल्लेबाज हैं। ड्रेसिंग रूम से मैसेज गया है बैट्समैन के पास, सचिन चौहान सर कुछ मैसेज लेकर गए हैं ड्रेसिंग रूम से अपने बल्लेबाजों के लिए। चार ओवरों में 24 बॉलों पर 31 रन की और आवश्यकता है एसएफ की टीम को। 5 विकेट अभी हाथ में है और एक सेट जोड़ी खेल रही है केके और अतुल की। बात करेंगे एसएफ की टीम की, काफी बैलेंस टीम है, ऑलराउंडर्स की भरमार है, बॉलर बैट्समैन, बहुत ही बैलेंस टीम नजर आती है एसएफ की।
दूसरी तरफ देखें इंदौर की, इंदौर ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है इस मैच में। प्लेस किया लॉन्ग ऑफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग। के और अतुल सूझबूझ भरी पारियां खेलते हुए अपनी टीम को अंजाम तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और ड्रेसिंग रूम से भी उत्साहवर्धन किया जा रहा है। फिर से अजीबोगरीब शॉट खेलने का प्रयास है यहां पर, हमने देखा है ऐसा ही कुछ शॉट खेलते हुए शुभम चौहान ने अपना विकेट गंवाया था जो कि सेट थे विकेट पर, और ड्रेसिंग रूम से लगातार आवाजें आती हुई सीधा खेलने की। इस समय इस प्रकार के अजीबोगरीब शॉट्स की जरूरत नहीं है, दोनों बल्लेबाज सेट हैं, अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं पूरे ग्राउंड पर, और बात करते हुए समझाते हुए सीनियर प्लेयर के समझाते हुए। अगला बॉल, बेहतरीन बॉल ऊपर, यॉर्कर अटेम्प्टेड यॉर्कर यहां पर, अच्छा फील्ड लॉन्ग ऑन में दूसरे रन की दरकार हो सकती थी के द्वारा, लेकिन मना किया गया यहां पर। अब शेष 21 बॉलों पे 29 रन की आवश्यकता, लक्ष्य बड़ा नहीं है, 5 विकेट हाथ में है, लेकिन ये क्रिकेट है। फिर से यॉर्कर का प्रयास, कवर्स में खेला हुआ अच्छा शॉट यहां पर, अच्छी सूझबूझ से बैटिंग कर रहे हैं के, और यहां पर थोड़ी तालमेल में कमी देखने को मिली ओवरथ्रो के रन पर। शुभम चौहान की पारी की दाद देना चाहूंगा, जबरदस्त पारी खेलकर आए हैं। अगला बॉल, लेंथ बॉल, पटका हुआ बॉल, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, स्क्वायर लेग पे बॉल जाती हुई, अच्छी फील्ड यहां पे, मौका हो सकता है, फिर गलत एंड पे थ्रो। यहां काफी कम उम्र के मुस्तैद फील्डर जान पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों बार गलत एंड पे थ्रो किया है इन्होंने। राकेश द्वारा यहां पर कीपर को थ्रो किया जाना चाहिए था। फिर बड़ा शॉट, फिर बड़े शॉट का प्रयास, काउस कॉर्नर पे बॉल, अच्छी फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो। इसी के साथ 17 ओवर की समाप्ति, 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर एसएफ का, शेष 18 बॉलों पे 25 रनों की आवश्यकता है यहां पर, 3 ओवर में 25 रन, लक्ष्य आसान है लेकिन चेस करते हुए मुश्किल है। मंजीत सर फील्ड में जाते हुए मैसेज लेके, मंजीत सर और चौहान सर अपने अनुभव को यहां दर्शाते हुए लगातार बैट्समैन को मैसेज दिए जा रहे हैं, एक बेहतरीन टीम कमिटमेंट दिखाई दे रहा है यहां एसएफ के द्वारा, सीनियर प्लेयर्स का योगदान। इंदौर डीएफ यहां पर मंत्रणा करती हुई किससे बॉलिंग कराई जाए, 25 रन डिफेंड करने हैं 3 ओवर में।
लेंथ बॉल फिर से, अच्छा बॉल, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, जद्दोजहद जारी है, इंदौर डीएफ पूरा प्रयास कर रही है इस मैच को जीतने का। वहीं एसएफ ने भी अपना दमखम दिखाया है। स्लो बॉल फेंका हुआ, चतुराई भरा बॉल, लेकिन यहां मिस हुआ, बैट्समैन बीट हुए, कीपर भी बीट हुआ और बहुमूल्य रन छूटे यहां पर। बेहतरीन शॉट यहां पर और ये चार रन, जबरदस्त बल्लेबाजी। इससे पहले अच्छा बॉल फेंका था लेकिन कीपर के दस्तानों से छिटक कर चौका हुआ और इस बार बेहतरीन शॉट मारा। ऐसे स्ट्रेट ड्राइव आपको क्रिकेट की बुक में देखने को मिलते हैं। चौदह बॉल पे 16 रन की दरकार एसएफ के लिए। यहां थोड़ा और जोर लगाना होगा इंदौर डीएफ को, अभी तक अच्छा खेलते आए हैं। फिर से दिशा से भटके यहां पर, ये बड़े बहुमूल्य रन है जो गवा रही है इंदौर डीएफ की टीम एक्स्ट्रास के रूप में। वाइड बॉल का इशारा, एक रन और कम होता हुआ, अब 14 बॉल पे 15 रनों की आवश्यकता है। सीनियर बल्लेबाज के पिच पे डटे हुए हैं। ऊपर फेंका हुआ बॉल यॉर्कर का प्रयास था, अच्छे तरीके से खेला उसको, लॉन्ग ऑफ फिफ्थ। 13 बॉल पे 14 रन की आवश्यकता, अतुल स्ट्राइक पर हैं, अच्छी बैटिंग की है अभी तक, शुभम के आउट होने के बाद से अच्छी बैटिंग की है, उम्मीद है खत्म करेंगे। बेहतरीन बॉल और जबरदस्त शॉट, इसी के साथ 6 रन के लिए। अतुल की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है और यहां पर सीनियर प्लेयर चौहान सर और मंजीत सर दोबारा ग्राउंड में पहुंचते हुए मैसेज लेकर। अब 12 बॉल पे 8 रन की आवश्यकता। देखिए मजबूत टीम कैसे कमबैक करती है, आज दिखाया है एसएफ ने। एक समय ऐसा लग रहा था कि लड़खड़ा गई है टीम जब 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन शुभम की जबरदस्त बैटिंग और के अतुल की बैटिंग, जो शॉट लगाए हैं दर्शनीय शॉटों के कारण, अब मात्र 8 रन चाहिए 12 बॉल पे। अतुल 168 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 16 बॉल पर 27 रन बनाकर, जिसमें दो चौके और 2 छक्के शामिल हैं। के द्वारा एक छोर संभाल कर रखा गया है काफी समय से। अच्छा बॉल, सूझबूझ से खेला, मौका हो सकता है लेकिन डायरेक्ट हिट करना चाहिए था। बॉलर फॉलो थ्रू से वापस नहीं आ पाए स्टंप्स के पीछे, जिस वजह से डायरेक्ट हिट नहीं किया फील्डर ने। अब स्ट्राइक पर है अतुल। के 29 बॉल पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं। बेहतरीन ड्राइव, उतनी अच्छी फील्डिंग,
बेहतरीन यहाँ एफर्ट, जबरदस्त नजारा क्रिकेट का आप यहाँ देख रहे हैं दोनों ही टीमों द्वारा। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। एसएफ के ड्रेसिंग रूम में आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह है। अच्छी बैटिंग यहां पर के द्वारा, सिंगल लेने का प्रयास था क्योंकि मात्र 6 रन ही चाहिए। नो बॉल पर बेहतरीन शॉट, सीधा खेला हुआ बिल्कुल गोली की तरह, जबरदस्त एफर्ट यहां पर, बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा। काफी बड़ा एरिया कवर किया और डाइव मारकर बाउंड्री बचाई है, 3 रन निश्चित रोके हैं। इंदौर डीएफ का कमिटमेंट भी सराहनीय रहा है आज के इस मैच में। और ये उठा दी है बॉल, लेकिन नो मैंस लैंड पे दिखती हुई, प्रयास कर सकते थे फील्डर लेकिन पीछे रह गए। यहां एक मौका हो सकता था मैच में वापसी करने का इंदौर डीएफ के द्वारा। राकेश थे फील्डर, प्रयास किया लेकिन बॉल तक पहुंच नहीं पाए, सराहनीय प्रयास राकेश का। और इसी के साथ बेहतरीन शॉट, 6 रन और मैच समाप्त। ऐसे अब यहां पर मैच को जीत गया है 7 बॉल शेष रहते हुए। बेहतरीन मैच देखने को मिला यहाँ इंदौर डीएफ और एसएफ के मध्य। यहाँ पर एसएफ ने 5 विकेट से इस मैच को जीता, कश्मकश भरा मैच था, आखिरी तक गया मैच। 1 ओवर शेष रहते हुए एसएफ ने अपनी जीत दर्ज की, जिसमें योगदान अगर देना चाहिए तो निश्चित रूप से शुभम चौहान को, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और बैटिंग में भी उनका एक छोटा कैमियो रहा जो मैच को एसएफ की झोली में डाल सका। शुभम चौहान आज के मैच के मैन ऑफ द मैच, शुभम चौहान कमेंट्री बॉक्स में आने कृपा करें। शुभम चौहान, मैं निवेदन करूंगा श्री आदित्य प्रताप सर से और विकास सहवाल सर से कि आज के मैच के मैन ऑफ द मैच शुभम चौहान को पुरस्कृत करने की कृपा करें। शुभम चौहान, और आज के मैच के मैन ऑफ द मैच शुभम चौहान, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, 5 विकेट लिए और जबरदस्त बल्लेबाजी भी की। धन्यवाद देना चाहूंगा विकास सहवाल सर को, आदित्य प्रताप सर को और नरेंद्र सर को, जिन्होंने पुरस्कृत किया शुभम चौहान को। अगली टीमें टॉस के लिए तैयार हो जाएं। अगली टीम SCRB और IPS 11 टॉस के लिए तैयार हो जाएं। अति शीघ्र मैदान में आए टॉस के लिए तैयार होकर।